सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार प्रजापति। अखिलेश जी कहाँ से आए आप? हम रहने वाले उत्तर प्रदेश काशी के पास, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर और क्षेत्र मोहम्मदाबाद, ग्राम कोरपुरवा के रहने वाले मैं निवासी हूँ। लुधियाना में प्राइवेट जॉब नौकरी करता हूँ। सहनेवाल पावा पिंड से मैं आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी के नाम दीक्षा लेने से पहले डेरा सच्चा सौदा में था। उससे पहले मैं निरंकारी में था। हमारे पिता माँ जो हैं घर में रहते हैं, तो मेरे को संतुष्टि उनकी भक्ति से नहीं हुई। इस करके वो कहते हैं कि सब कुछ खाओ, परमात्मा दया कर देंगे, सब हो जाएगा। फिर इसके बाद मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। कोई मांस खाता है, कोई दारू शराब सब पीता है, भक्ति भी करते हैं ये लोग, कुछ मतलब इनका कोई है, नशा पताई सब करते हैं। फिर राम रहीम का जब मैं ज्ञान सुना तो थोड़ा सा मेरे को हुआ कि कुछ इसमें है, तो मैं यहाँ गया। सर जब आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे, संत निरंकारी मिशन से, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों गए? और सर आप डेरा सच्चा सौदा से कितने साल तक जुड़े रहे और संत निरंकारी मिशन से आप कितने साल से जुड़े रहे? हाँ, निरंकारी में कम से कम 6 महीना तक ले यही भक्ति किया और डेरा सच्चा सौदा में 2.5 साल तक ले किया। 2013 से मैं भक्ति किया। इसके बाद फिर जो है कि 14 में संत रामपाल जी का मैं ज्ञान सुनने लगा, मैं भक्ति उनकी छोड़ दी। सर वो भक्ति साधना आपने क्यों छोड़ी? हमने साधना ये छोड़ी कि हमें पहले तो ज्ञान का ये पता नहीं था कि मोक्ष मुक्ति का मार्ग क्या होता है। जब मैं ज्ञान इनका सुना तो मेरे को मोक्ष मुक्ति का पता चला सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का और राम रहीम का। जब ज्ञान दोनों को अटैच किया तो इसमें ये पता चला कि शास्त्रों पुराणों के आधार पर इनका ऑथेंटिक्स ज्ञान है और उनका शास्त्रों से मेल नहीं कर रहा है। जब दोनों को निकाला जब, तो इसके बाद मेरे को पता चला कि ब्रह्मा विष्णु का माता पिता कोई है और ये काल भगवान है और दुर्गा इनकी जो है माता है और तीनों देवों की ये उत्पत्ति करता है। फिर इसके बाद मेरा मन जो है वहाँ से अब खिन्न हो गया राम रहीम से, तो फिर इसके बाद मैं छोड़ दिया। 2.5 साल तक लगातार मैं इनका सत्संग सुनता रहा सतगुरु रामपाल जी महाराज का। सर आपने बताया कि लगभग 2.5 साल तक आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते रहे और आप डेरा सच्चा सौदा से भी जुड़े रहे, तो सर डेरा सच्चा सौदा में वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नज़र आई? भिन्नता नज़र ये आई कि ये सतगुरु रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि परमात्मा साकार है, उसका नाम कबीर है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, बाइबल में, गीता में और कुरान शरीफ कुरान मजीद में भी साबित कर दिए कि कहाँ कहाँ पर है ये परमात्मा और ये सत्य है। अन्य जितने धर्मगुरु के जो संत महंत हैं, ये लोग सब जो है कि निराकार बताते हैं। सतगुरु रामपाल जी हमारे जो है शास्त्रों का अध्ययन जो है शास्त्रों के आधारित एकदम ज्ञान खरी जो है कि एक एक करके शास्त्र को खोल खोल करके दिखा रहे हैं कि ये है परमात्मा, ये है शास्त्र अनुकूल भक्ति। इसके अलावा ये जितने ऋषि महर्षि हैं, ज्ञान को मिलाओ और ज्ञान को अपना समझे, क्योंकि गीता में भी वर्णन आता है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर है। सर एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, तो सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? मेरे को लाभ संत रामपाल जी के शरण में जुटने के बाद ये हुआ कि पहला लाभ मेरे को हुआ कि मेरा घर परिवार में कलेश था वो थोड़ा शांत हो गया। दूसरा लाभ मेरा लड़का जो था वो थोड़ा गलत लाइन पकड़ा, तो गलत खान पान जो करता था जो किसी के साथ में उसमें जो लड़कों के साथ में था वो धीरे धीरे जो है कि शांत हो गया। यहाँ पर आने के बाद मैं उसको बुलाया, प्राइवेट नौकरी करता हूँ लुधियाना में। मालिक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की दया से वो जो है लड़का अब सही है, नौकरी कर रहा है और अभी इस टाइम सही है। सर और क्या लाभ मिले? तो मैं मशीन ऑपरेटर हूँ। अचानक मैं एक दिन काम करते करते जिसमें हैंडल मेरा जो है कि मशीन के चक्के में लगा हुआ खोल रहे थे, जिसमें अचानक जो है हाथ से जो है उसकी बटन जो है दब गई, जिससे वो चक्का जो है कि घूम गया। हैंडल का जो हिस्सा जो है दोनों हाथ से जो पकड़ के घुमाते हैं वो मेरे माथे पर आके बहुत तेज से लगा, लेकिन जिस हिसाब से वो चोट लगा उस हिसाब से मैं बैठ करके आधे घंटे के बाद जब
जोब को टाइट कर लिया, सारा सेटिंग कर लिया मशीन को, और जब कट लगा दिया तब मैं इसको एहसास किया कि कहीं सिर तो नहीं फटा है। लेकिन उसके माथे पर फिर मेरे को सिर नहीं हुआ, दर्द भी थोड़ा कुछ दूर हुआ, लेकिन फिर इसके बाद शांत हो गया। फिर मालिक से अपना जो है सुमिरन करता रहा करता रहा। फिर इसके बाद पहला तो वो बचा, तो हम बच गए। बचने के बाद फिर तीसरे दिन जब उस मशीन पर काम कर रहे थे, अचानक वो 80 किलो के पीस जो है, जब दाएं साइड में जो हमको जो आप खड़े थे, खड़े होकर के उसमें पीस किए, गुटका खुला हुआ था, जिसमें कि जब खड़े हुए इस लिफ्टर पर जो हमारा अचानक हाथ जा करके वहाँ पर तुरंत जो है कि लग गया बटन पर, चक्का घूम गई। चक्का घूमने के कारण सुमिरन उस टाइम भी हम कर रहे थे, सुमिरन करते समय जो मालिक की रजा ये हुई कि अचानक उतना खुला हुआ गुटका वो टाइट कैसे हो गई पीस, भगवान जाने। सतगुरु रामपाल जी की परमात्मा की इतनी दया हुई कि उस खतरे से मैं बच गया। उस दिन मेरा खतरा बहुत भयानक होना था, तो ये लाभ हुआ। जब वो पीस यदि निकल करके आ जाते मेरे सिर पर चाहे शरीर के ऊपर, तो खतरा भयानक था कि मर जाना था, इसमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन जब वो पीस घूमता रहा, लिफ्टर बैक मार के जब पीछे किया ड्राइवर ने, इसके बाद मशीन से को मैं बंद किया कि ये पीस निकल के निकलेगा जब स्लो चाल में होगा। तो इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि गुटका में टेढ़ा हो गया पीस और पूरी तरह से टाइट है। फिर मैं गुटका को हैंडल लगा करके उसको फिर खोला, तो सतगुरु रामपाल जी की कृपा से मैं अपना जीवन दान मेरे को मिला। अगर वो मेरे को लग जाता अगर चोट, तो मेरे जो है कि नुकसान जो है कि मृत्यु की होना ही होना था। इसके अलावा और लाभ जो हुआ, शारीरिक जो मेरे को कष्ट थी वो जो है कि अचानक एक दिन मैं ड्यूटी करते हुए मेरे को पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ। छुट्टी लेकर के मैं घर आया अपने रूम पर, रूम पर आने के बाद मेरे को दर्द नहीं जा रहा था। दवा लिया 20 मिनट के बाद मेरे को दर्द नहीं हुआ, तो मेरे को अचानक याद पड़ा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज का दिया हुआ जलामृत जो है हमको लेना चाहिए। तो मैं लेट करके घूम रहा था, इधर उधर उथल पुथल कर रहा था। मैं लड़की से बोला अपना कि बेटी ले आओ वो जो है अमृत जल, वो मेरे मुँह में डाली। हमारा उठ करके लेने भर के क्षमता नहीं था, रेख था अपने से ऊपर, तो उसने डाला। डालने के बाद ठीक एक मिनट के अंदर अंदर में पीरा बिल्कुल रोग, मेरा जो दर्द था पेट में का एकदम बिल्कुल फिट हुआ। इसके बाद बंदी छोड़ के मैं नारा लगाया, फिर दंडवत प्रणाम किया, उस रोग से मैं बचा। फिर जो है कि बहुत भयानक दर्द हुआ था, तो ये लाभ हमको हुआ और मालिक की रजा है। पहले तो मेरे को मुक्ति का जो है कि मार्ग मिला, सच्चा गुरु मिला, शास्त्र अनुकूल भक्ति बताने वाला वो सतगुरु रामपाल जी ही हैं। यहाँ पर इस संसार में 21 ब्राह्मण में कोई नहीं है। सर एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे। सर पहले आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े रहे, उसके बाद आप संत निरंकारी मिशन से जुड़े, और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है। तो सर कहा यह जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, तो सर क्या आपने गुरु बदल के कोई पाप तो नहीं किया? गुरु बदलने की कारण ये है कि जब तक मिले ना मंत्र साँचा तब तक गुरु करो 10-5। परमात्मा का ये आदेश है, कबीर जी की वाणी में स्पष्ट लिखा हुआ। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप डेरा सच्चा सौदा से भी जुड़े रहे, संत निरंकार मिशन से भी जुड़े रहे, तो सर जो लोग आज भी उन पंथों में जुड़े हुए हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ, और नीचे पीली पट्टी पर वो लाइन आती है, उस लाइन पर जो है कि निःशुल्क अपना जो है कि पुस्तक आती है मंगवाएं और पढ़ के रियल ज्ञान को समझे। और मुक्ति का मार्ग है, परमात्मा आए हुए हैं और आकर के अपना कल्याण कराओ। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज की सत्संग सुने और सुन करके उस ज्ञान को अमल करें, और जितना जल्द से जल्द हैं परमात्मा के शरण में आएँ, अपना कल्याण करें। सत साहेब जी, धन्यवाद। सात साहेब।